से कितना ब्यूटीफुल है। वो देखो कितना ब्यूटीफुल है। हीरो को भी ये कौन सा ये होगा सोरम फील्ड? ये पैडी है राइस। कितना सुंदर लग रहा है, रियली होप मतलब कैमरा जस्टिफाई करे। तो अभी हम लोग सोमनाथ मंदिर आए हैं और हमने यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा बुक किया है जो हमें सारे 6 लोकेशंस दिखाएंगे जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। अंदर यू कैन नॉट टेक एनी मोबाइल एनी गैजेट, इनफैक्ट वॉच भी वो लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। बैग्स वगैरह भी अलाउ नहीं है, बड़े बड़े बैग्स ओनली लेडीज के हैंड पर्स उसमें अलाउ है। सो दीज मैनी लोकेशंस विल कवर, लोकेशंस 6 हैं बट टोटल इसमें वो सब कवर हो जाएंगी इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हम आज घूमने वाले हैं। ये लीजिए भैया, ये लीजिए भैया, थैंक यू। तो विल स्टार्ट विथ सोमनाथ मंदिर। ऑटो में हम लोग बैठ गए। तो दैट इज द मंदिर आई गेस, बट अंदर फोन्स वगैरह अलाउ नहीं होंगे तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। ये सब गेट में ही वो लोग रिजर्व करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके आ गए। मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं है तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बट प्लीज एक बार आप विजिट कीजिए अगर आप यहाँ आते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। और अभी हम लोग आए हैं कौन सा संगम है सर? ये कोई 3 नदियों का संगम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। सर वो आ रही है, वो जो नदियों का संगम था वो 3 नदियां हैं, कपिला हिरणा है और सरस्वती। 3 नदियों का संगम था जो सी से मिल रही थी, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। नाउ अभी हम लोग आए हैं तीसरे स्पॉट पे और ये है कृष्ण धाम। उनको जब तीर लगा था तो कृष्ण भगवान को तीर लगने से मौत हुई, मोक्ष धाम ना। अपन पांडव लेके आए थे अंतिम संस्कार करने के लिए, बट नदी बहा के लेके चली गई, दैट्स द स्टोरी। सो ये कृष्ण भगवान जी का मोक्ष धाम है, यहाँ पे उनका अंतिम ये हो गया था और यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स भी हैं जिनको लोग पूछते हैं, मानते हैं। वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ कभी देखो अभी डक्स हैं, बहुत ही डीप है वाटर है ना। वेलकम
नाउ वी आर हेडिंग टू हिंगराज माता मंदिर, मतलब कि यहाँ गुफा है। और जो पांच पांडव थे एक रात यहाँ रुके थे आफ्टर कृष्ण भगवान जी का जब अंतिम संस्कार हुआ था नदी में, उसके बाद वो पांच पांडव जो है एक रात यहाँ पे उन्होंने निवास किया था। सो दैट इज़ वाई ये प्लेस को थोड़ा पूजा जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा सूर्य कुंड भी बनाया हुआ है, और आई थिंक यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये है सूर्य कुंड, और काफी नीचे स्टेयर्स है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, गुफा है। चलना है? मैं देख के आ रहा हूँ। दिस इज द सूर्य कुंड। कहाँ है फिश? ओ फिश भी है इसमें। वैसे पानी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना। गाइस अभी हम लोग आए हैं राम मंदिर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम लोग आए हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में, जो कि एक शिव मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है। एंड देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दिस। ऑब्वियसली मेरे को इतना मतलब बताया, मुझे समझ में आया, हमारे गाइड ने बताया, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। वेणी शिवलिंग, और इसको वेणी शिवलिंग भी कहा जाता है, बिकॉज देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड दिस। अब पढ़ लेना गूगल करके। और ऐसा भी हम मंदिर जा रहे हैं।
चलो अंदर जाते हैं कभी। यस दिस इज वेनेश्वर महादेव टेम्पल। वेनेश्वर जो है एक राजा की बेटी का नाम है जिनके ऊपर महादेव जी की कृपा थी, तो उनके नाम पर ये शिवलिंग है। रिमूव योर शूज, गुड बॉय। We are done with our tour. सारे यहाँ के जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल्स थे, धाम्स थे, हमने विजिट कर लिए हैं। बहुत मज़ा आया। वैसे तो हम लोग इतना यू नो धार्मिक नहीं है, बट फर्स्ट टाइम सर और मैंने सभी मंदिर जो है एक्सप्लोर किए गुजरात के, एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन। आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने किया, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल है ना और इतने पीसफुल हैं। आप जाओगे तो आप लोगों को सच में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। और अगर आप यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली ये टूर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट में काफ़ी पीसफुल है। एंड नाउ वो जो गाइड है हमारे ऑटो ड्राइवर कम गाइड, वो हमें हमारी कार के यहाँ ड्रॉप कर देंगे, देन विल गो फॉर लंच समवेयर। चले कभी, लेट्स गो, विल हैव लंच। लंच के लिए आए हैं यहाँ पे और रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद सागर। लेट्स सी व्हाट्स द कुजीन हियर। चलो कभी जाते हैं, आ जाओ। और ये खुलता क्यों नहीं है? कम कभी हम लोग जा रहे हैं स्वाद सागर। This is veg sizzler, red penne pasta, french fries, how is the food Saurabh? Lovely. How is the food Kavish? Lovely. Tastiest. गाइस हम लोग आ गए वापस, अभी हो रहा है 4:30 शाम का। उफ, पेट इतना भर गया है मेरा, बहुत ज़्यादा खा लिया है अभी तो, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बट मुझे वीडियो एडिट करना है, जो डे वन का वीडियो था रोड ट्रिप का फ्रॉम मुंबई टू गुजरात,
वो मुझे एडिट करना है. उफ, पहले जैकेट निकाल देते, बहुत गर्मी हो रही है. नाउ इट्स बेटर. अंदर भी फुल स्लीव टी शर्ट था और जैकेट था. दिन में तो गर्मी होने लग गई थी, तो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं. उसके बाद विल हैव जिंजर टी. उसको बोला एकदम जिंजर और ब्लैक पेपर डाल के एकदम कड़क चाय बनाने के लिए. और यहाँ पे चाय ना वो इतने छोटे छोटे कप्स में देते हैं, जस्ट दो घूट. मैंने उसको बोला स्टील की ग्लास में एकदम भर के देने का चाय. अपने को वैसी ही चाय पसंद है, दो घूट चाय से अपना कुछ काम नहीं होता है. उसके बाद मैं लग जाऊंगी काम पे. सौरव और कविश फिलहाल तो वहाँ गए स्विमिंग पूल, मतलब देखने गए. अभी तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मैंने कविश को बोला है कल आफ्टरनून में मे बी विल गो टू स्विमिंग पूल. डिनर करेंगे या नहीं वो पता नहीं, बट बोल तो दिया है डिनर बनाने के लिए. तो अभी क्विकली मैं चेंज करती हूँ और काम पे लगती हूँ. ये है ओंधियो, ये है आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, जीरा राइस, बाजरे की रोटी, पापड़. गाइस बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी खाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वी आर एंजॉइंग आवर डिनर आउटसाइड. ये चारपाई में कभी सो गया है, वहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ है कार में, और थोड़ी देर में यहाँ पे कैंप फायर होने वाला है. तो वी आर एंजॉइंग आवर डिनर आउटसाइड. ठंडी लग रही है बट मजा भी आ रहा है. कैंप फायर का बोला तो है बट मुझे लग रहा है नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत थक गए, नींद आ रही है मुझे. मैं अभी तक एडिटिंग कर रही थी अपना वीडियो एंड चाय वगैरह भी हमने यहीं पे पिया, बहुत मज़ा आया. जब से हम लोग आए हैं रिजॉर्ट में, शाम से हम लोग यहीं पे बाहर ही बैठे हैं, तो अब ठंडी लगने लग गई है और नींद भी आ रही है, तो शायद हम लोग डिनर करके चले जाएंगे सोने के लिए. तो आज का दिन भी काफ़ी मज़ेदार रहा एंड आपने तो देखा ही होगा, बहुत इन्जॉय किया हम सब, हम तीनों ने. एंड फूड इज़ ऑल्सो यमी, लंच भी बहुत यमी था, डिनर भी बहुत यमी है. दिस विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. आई रियली होप आप लोगों को पसंद आया हो. अभी जो कमिंग डेज है उनके भी मैं व्लॉग करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड. शेयर इट, कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.